अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट कुकिंग। स्टूडेंट कुकिंग में आज हम बना रहे हैं भुनी हुई मूंग की दाल। दाल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। आधा किलो मैंने मूंग की दाल ली है और इसे साफ़ करके 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने दाल उबाल ली है 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के। इतना उबालना है कि इसमें मामूली सी कसर होनी चाहिए और दाल के दाने इस तरह से अलहदा अलहदा होंगे। इसके साथ ही 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए और स्लाइस में काट लिए। 4 अदद टमाटर रफली चॉप कर लिए। साबुत गरम मसाले में मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा लिया है, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंगे, 3 से 4 अदद साबुत काली मिर्च और 2 टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट है और 2 अदद हरी मिर्चें को मैंने सीध निकाल के लंबाई में काट लिए हैं। नमक हम लास्ट में एडजस्ट करेंगे क्योंकि दाल को भी मैंने नमक डाल के उबाला है। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया था, तेल गर्म हो चुका है। इसमें साबुत गर्म मसाला डालूंगी। तकरीबन 1 मिनट तक गरम मसाले को मैं फ्राई करूंगी, अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज डाल के इसे मिक्स करेंगे और इतना फ्राई करेंगे प्याज का कलर तब्दील हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो गई है, उसका कलर आना शुरू हो गया। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है, अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँ। टमाटर डाल के मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक टमाटर को फ्राई करेंगे सीधे साथ प्याज के साथ। टमाटर फ्राई करने के बाद फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इसको मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे फिर सेकंड के लिए मैं भूनूंगी ताकि अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाए। साथ ही इसमें मैं मसाले भी डाल दूंगी, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर। मसाले डालने के बाद मिक्स करेंगे। तकरीबन 1/4 कप पानी डाल के मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि टमाटर गल जाए और मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए। Thank you.
से कवर कर रही हूँ। डाल के मैंने कवर कर दिया था ताकि टमाटर गल जाए और मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे पकाया है। टमाटर बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है। 3 से 4 मिनट में मज़ीद इसे भूनूंगी और फिर इसमें दाल शामिल कर दूंगी। मसाला बहुत अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें डालूंगी, मिक्स करूंगी और साथ ही इसमें दाल भी डाल दूंगी। दाल डाल दी है, इसे मिक्स कर लेंगे मसाले। साथ ही इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और दाल में कसर है वो भी खत्म हो जाए। दाल डाल के अच्छी तरह मसाले के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे दम पे पकाएंगे। बस फिर सर्विंग डिश में निकाल देंगे। स्टूडेंट कुकिंग में आज हमने ढाबा स्टाइल भुनी हुई मूंग की दाल बनाई है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। गरम गरम चपाती और नान के साथ सर्व कीजिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दीजिए। स्टूडेंट कुकिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।